समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जबान है, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। इस दुनिया में आप प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करना। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग कहां साथ देंगे। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। ये सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। मृत्यु का घाव उतना भी बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। भगवद गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से कभी धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आश है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। इन पांच जगहों पर हमेशा चुप रहे। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े।
तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही जीवन का अटल सत्य है। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे जरूर। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाले। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था, और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची, और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवित है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है, और हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मनुष्य ने कितना कुछ सीखा है वह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन उसने कितना कुछ समझा है वह उसके संस्कारों से पता चलता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।